तो हेलो एवरीवन, तो कैसे हो आए आप सब? अच्छे होंगे, अच्छे से है ना? तो बहुत दिन के बाद आज हम अपने चैनल में एक्टिव है, और कुछ रीज़न है और कुछ कारण भी है, आप लोग को बताना बहुत ज़रूरी है। इस चलते हम आज अपने चैनल पे वीडियो बना रहे हैं, और बहुत दिन के बाद ही बना रहे हैं। मन ही नहीं कर रहा था वीडियो शूट करने का, तो बहुत दिन के बाद आज हम कैमरा धरे हैं। वो भी बता दे रहे हैं क्यों रीज़न था कि यूट्यूब तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है, और इतना मेहनत करने के बाद भी एक वीडियो भी वायरल नहीं जा रहा तो अच्छा नहीं लगता। इतना मेहनत करने के बाद भी कभी कभी लगता है यूट्यूब से वीडियो बनाना छोड़ दे, कुछ और करें, लेकिन एक बार और याद आता है इतना मेहनत करने के बाद यूट्यूब को अभी छोड़ना अभी अच्छा नहीं है। इस चलते मूड किया फिर आज एक टॉपिक में वीडियो बना रहे हैं, और आप लोग से एक ही बात रहेगा, आप लोग सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें, और जितना शेयर करने सकते उतना शेयर करें, सब तरफ फैला दीजिए वीडियो को। तो अब बात करने आते हैं मेन पॉइंट के ऊपर। तो आजकल आप देख रहे हैं न्यूज़ देख रहे हैं, यूट्यूब देख रहे हैं, फेसबुक पेज देख रहे हैं, इंस्टा पेज देख रहे हैं, हर तरह का पेज आ गया आप, और उसमें दो महीने से उसमें एक ही वीडियो चल रहा है शहाब भाई के ऊपर, जो केरला से हज करने निकले हैं, वो भी पैदल, टोटल 8600 किलोमीटर है उसका वीडियो। हम उसी के ऊपर आज वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो बहुत जन हमसे बोला उसके ऊपर वीडियो क्यों नहीं बना रहा था, हम बोले भाई अभी मोटिवेट है, अभी कुछ करने का मन नहीं कर रहा, लेकिन आज वो वीडियो शूट हो रहा है, तो आपको कुछ क्लिप दिखा देते हैं शहाब भाई का, वो अभी कहाँ है फिर आपको बताते हैं। तो आप ये वीडियो देखिए, फिर मिलते हैं। तो बहुत जन हमसे आज पूछ रहा था शहाब के ऊपर वीडियो क्यों नहीं बनाते, तो आज हम बहुत दिन का बाद बना रहे हैं। तो आज तारीख है 2 तारीख 8वां महीना 2022। आज शहाब भाई कहाँ है? शहाब भाई न्यू राजस्थान में है, जैसे जैसे अपडेट आ रहा है हम आपको बता दे रहे हैं, और एक फैमिली घर में रुके हुए हैं, जो बच्चा देख रहे हैं क्यूब से उसको फूलों से नवाजा जा रहा है, शहाब भाई अपने हाथों से कर रहे हैं ये। तो बच्चा देख रहे हैं बहुत क्यूट से लगा, पुलिस में ड्रेस में, और अच्छा भी लग रहा है। तो शहाब भाई अभी रुके हैं कुछ देर ही यहाँ पर, फैमिली लोग से कुछ मिलना जुलना रहता है, तो मिल के ही जाते हैं शहाब भाई, अब आगे बढ़ेंगे। तो अब देख रहे हैं बच्चा खूबसूरत दिख रहा है, और बात करने जा रहे हैं शहाब भाई के ऊपर में। उसका टोटल दिन हुआ है 62, वो 62 दिन हो गया उसका निकला हुआ घर से, और वो अभी यहाँ से अभी आगे की तरफ निकलेंगे, न्यू राजस्थान से जस्ट अभी निकले हैं आगे की तरफ, जैसा अपडेट आ रहा है। तो देख रहे हैं आपको अपडेट मिल गया न्यू राजस्थान से अभी आगे निकल रहे हैं। तो आप एक चीज़ गौर करिए, यही सब देखने के चीज़ बहुत खूबसूरत लगता है। आप इंडिया का फ्लैग्स देख रहे हैं, तो उसको मैं दिल से सलूट करना चाहता हूँ, और मेरे जितने नौजवान पुलिस है, जितने बड़े बड़े अफसर है जो उसका साथ चल रहे हैं, उसको भी मैं हम सलूट करना चाहते हैं, और जितने मेरे भाई बहन हैं जो आप देख रहे हैं जो साथ में चल रहे हैं उसके, उसको भी दिल से सलूट दे रहे हैं, सलूट करते हैं, और दिल से सलूट रहेगा जो उसका साथ को और उसका हौसला को बढ़ा रहे हैं। तो ये चीज़ अच्छा लगता है जो देखने को मिल रहा है। तो पुलिस को देख रहे हैं आप आगे आगे जा रहा है, तो ये चीज़ फूलों से नवाजा जा रहा है, ये खूबसूरत नज़ारा अपने आँखों से देखने को मिल रहा है, और ये चीज़ बहुत अच्छा लग रहा है आपको। तो अभी राजस्थान से अब हम लोग निकल रहे हैं आगे, तो अब देखें दो जिप्सी आगे लगा है, अभी न्यू राजस्थान से हम लोग आगे आ गए हैं। तो आप देख रहे हैं ये कुछ नज़ारा, तो शहाब भाई को आप देख रहे हैं पुलिस पूरा घेरा हुआ है, कोई उसका आसपास नहीं है। और एक बात बताने जा रहे हैं, शहाब भाई अपने हज के लिए निकले हैं, वो टोटल 8600 किलोमीटर चलेंगे, और बताने जा रहे हैं कुछ बात। शहाब भाई अकेले हज करने नहीं निकले हैं, उसका साथ 5 आदमी ने है। एक शहाब भाई अब जो आप देख रहे हैं वहाँ पर आपको दिखा दे रहे हैं, तो आपको हम दिखा दे रहे हैं जो 5 मेरे भाई लोग हैं जो शहाब भाई के साथ जा रहे हैं। टोटल आप देख रहे हैं रेडियम कलर का टी शर्ट पहने हुए हैं,
तो यहाँ पर अभी श्याप भाई रुकेंगे, बच्चा को देखिए कितना खूबसूरत लेके ड्राइंग लेके खड़ा है श्याप भाई का। अभी यहाँ श्याप भाई रुकेंगे तो सबसे सलाम दुआ हो रहा है, तो अभी बच्चा जा जाएंगे और बच्चों को अपना ऑटोग्राफ दे रहे हैं। ये खुशनसीब देखने को मिलता है बहुजन से। तो श्याप भाई अभी यहाँ से आगे की तरफ निकलेंगे और श्याप भाई के ऊपर बात कर रहे हैं। तो हम आपको बता दे रहे हैं, जो अभी ये जो हज करने निकले हैं, जो पैदल केरला से हज करने के लिए वो निकले हैं, टोटल किलोमीटर है 8,600 किलोमीटर वो पैदल सफ़र करेंगे। जो हज करने जा रहे हैं वो 8,600 किलोमीटर, ये छोटा मोटा नहीं है, 8,600 किलोमीटर 2023 में हज करेंगे शाह भाई। आप ये वीडियो देखें तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। और आपको बता दे रहे हैं साहब भाई को, वो घर से निकला हुआ उसका 62 दिन हो गया है, 62 दिन तो घर से निकला हुआ। और ये भी बता दे रहे हैं जैसे जैसे वो अपडेट आते जाएगा हम आपको अपडेट देते जाएंगे मेरे यूट्यूब फैमिली लोग को। तो आप लोग को एक और काम करना, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को पूरा फैला दीजिए, पूरा शेयर कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कमेंट और लाइक कर दीजिए और इसमें अच्छा खासा व्यू ला दीजिए। और एक बात बोलना चाहते हैं उसके लिए, बहुत दिल से बोलना चाहते हैं आप लोग, उसके लिए दुआ करें सब जितने मेरे फैमिली है, जितने मेरे यूट्यूब फैमिली, उसके लिए दुआ करें। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।